आप देख रहे हैं जी एम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। हम आपको अपने चैनल पर दिल के दाग रहे वेलकम करते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक में हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप खैर से होंगे, यूं हंसते मुस्कुराते हैं चलते हैं वीडियो की। आज की वीडियो का टाइटल है इंडियन साइंटिस्ट रैपिडली चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी। जी ये बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो मैंने अभी देखी है। अब जो लिथियम आयन बैटरी का छोटी आयन बैटरी लिथियम आयन बैटरी का दौर चल रहा है, तो पहले अभी देख लेते हैं वीडियो में क्या फिर देते हैं। तो दोस्तों हमारा देश भारत अब कहने को ही सुपर पावर नहीं रहा है, बल्कि इसके ऊपर काफ़ी तेजी से काम किया जा रहा है। और अब भारतीय वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा बना करके तैयार कर लिया है जिसके बाद भारत की तारीफ पूरी दुनिया में की जा रही है। तो शुरू करें इस शानदार वीडियो को, उससे पहले छोटा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों जैसे कि हम सभी देख पा रहे हैं पूरी दुनिया आज बैटरी स्टोरेज की समस्या से जूझ रही है, जिसके दो सबसे बड़े रीज़न हैं। पहला है पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें और दूसरा है प्रदूषण। इन दोनों समस्याओं से बचने के लिए ज़्यादातर देश रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर स्विच कर रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पर कम से कम जगह में कैसे बैटरी को स्टोर किया जाए। तो दुनिया की इसी समस्या का समाधान निकाला है भारतीय वैज्ञानिकों ने, जहाँ पर हाल ही में रिपोर्ट्स के मुताबिक आईआईटी खड़गपुर की टीम डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स की तरफ से नैनो मटेरियल्स का यूज करके सोडियम आयन बैटरीज को विकसित किया गया है। यहाँ पर सोडियम आयन बैटरीज के साथ साथ सुपर कैपेसिटर को भी बनाया गया है, जो आने वाले भविष्य का सबसे बड़ा स्टोरेज ऑप्शन रहेंगे। बात की जाए इस एडवांस और खास बैटरी के बारे में, तो इसको बहुत तेजी से चार्ज किया जा सकता है। इसी के साथ में ये लिथियम आयन बैटरीज की तुलना में काफी कम जगह अंदर ज्यादा स्टोरेज करेगी। इसी के साथ में इनका लाइफ साइकिल भी लिथियम आयन की तुलना में काफी ज्यादा रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज धरती पर 97% समुद्री पानी है, तो समुद्र के पानी से बड़े पैमाने पर सोडियम को आसानी से निकाला जा सकता है और इसका इस्तेमाल बैटरी बनाने में किया जाएगा। आप सोच करके देखिए, 97% दुनिया में समुद्री पानी मौजूद है और ये एक ऐसा स्टोरेज ऑप्शन होगा जो कभी शायद खत्म ही ना हो। हालांकि इसको बनाने का जो प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है, इसलिए वैज्ञानिकों को थोड़ी समस्या हो सकती है, लेकिन ये आने वाले भविष्य का एक बहुत बड़ा स्टोरेज ऑप्शन होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक आईआईटी भी ने कुछ इलेक्ट्रिक साइकिल्स में यूज करेगी, जिनका प्राइस रेंज 10,000 से 15,000 के बीच में रहेगा। और टीम का कहना है कि ये लिथियम आयन बैटरीज की तुलना में 25% ज्यादा सस्ती होगी, जो आने वाले भविष्य में एक बहुत बड़ा स्टोरेज ऑप्शन बनेगी। इसके अलावा रिसर्च टीम ने इस टेक्नोलॉजी को पेटेंट भी करा लिया है और अब इंतजार किया जा रहा है कि भारत की कोई बड़ी से बड़ी दिग्गज कंपनी इसमें इन्वेस्ट करे और आने वाले भविष्य में स्टोरेज सिस्टम को भारत से शुरू किया जाए। तो आप किसके बारे में क्या राय है भारतीय वैज्ञानिकों के लिए, कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय। दूसरा, हम जब रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज की बात करते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जिसमें पेट्रोलियम है, इसमें अपना डीजल वगैरह चीज़ें, ये एक ना एक दिन ख़त्म होने वाली है। अब दुनिया को इसका मुतबादल ढूंढना ही है और इसके लिए हर मुल्क के साइंसदान बेहतरीन से बेहतरीन तजुर्बात भी कर रहे हैं। मैं कल एक वीडियो देख रहा था, लिथियम आयन बैटरी है भाई, वो उसकी वो बता रहा था कि वो अगर एक मुकम्मल तौर पर चार्ज कर लिया जाए तो वो मेरे ख्याल में इतने दिन काफ़ी ज़्यादा दिन चल सकती है। और उस पर भाई जी भाई गुजर दो एसी, उस पर दो वो मिल रही है पाकिस्तान से, मिली है 2.5 लाख की, दो एसी और आपके पूरे कमरे जितने भी आपकी लाइट्स वगैरह पंखे वगैरह, मतलब सब मतलब एक सब वो बहुत बड़ा जनरेटर है, वो 15 kV मतलब 15 kW और वो पावर की है, लिथियम आयन बैटरी है। अच्छा। लेकिन वो थोड़ी सी महंगी पड़ती है, 2.5-3 लाख की पाकिस्तान से मिल रही है। तो एक बार बंदा ले रहे फिर तो सानी है। हाँ, उसको फिर रिचार्ज दोबारा और की, नहीं उसको रिचार्ज नहीं किया जा सकता क्योंकि वो जब ख़त्म हो जाएगी वो, लेकिन वो काफ़ी साल बता रहे थे, सब महीने ने काफ़ी साल बता रहे थे वो, उससे आप यूज़ कर सकते हैं, आप एक नहीं दो दो एसी चला सकते हैं। क्या बात, कितने साल चला सकते हैं? दो एक चार्ज वो चार्ज ना होती लिथियम आयन जो है ना वो, उस पर उसमें ऐसे कुछ सिस्टम है। मैं कल ये देख रहा था उसके बारे में वीडियो, पाकिस्तान के जो है ना पाकिस्तान में मौजूद है। उसके बाद आप ये सोडियम आयन बैटरी की बात कर रहे हैं, ये सोडियम आयन बैटरी उससे ज़्यादा सस्ती भी होगी और इसको चार्ज भी और बेहतर काम करती है। और मैं कहता हूँ कि ये इस तरह के एक्सपेरिमेंट करने चाहिए और अच्छे भी चाहिए। जिस तरह हालात बदलते जा रहे हैं, सार भी नए से नए जदीद ही काम भाई, जो इंडिया इस वक्त इलेक्ट्रिक कार पर जा रहा है ना,
उसको तो ये बैटरी चाहिए, उसमें ये काम वो दिखा भी रहे थे ना। उन्होंने बात की कि कोई बड़ी कंपनी इसको प्रोजेक्ट को तैयार करे और इस पर इन्वेस्ट करे, और इंडिया को जरूरत है ऐसी बैटरी की। वो इंडिया नहीं, पूरी दुनिया को जरूरत है, पूरे वर्ल्ड को भी इसकी जरूरत है, और इंडिया इसमें आगे भी निकल जाएगा, और मुझे लगता है इंडिया से ज्यादा पाकिस्तान की जरूरत है, क्योंकि लोड शेडिंग पाकिस्तान में हो रही है, हमारे मुल्क में कहीं भी नहीं मिलती थी भाई। हमें तो जो अगला दौर आ रहा है वो इलेक्ट्रिक कार की आ रहा है, जैसे भी है ना, इलेक्ट्रिक कार होगी जो डीजल या पेट्रोल की। भाई इलेक्ट्रिक कार इमरान खान ने बनाई है, अभी तक इंडिया में अभी शुरू हुई हुई है, पहले वर्ल्ड में बाइक भी है जो चार्ज चार्जिंग करके बिजली पे चलते हैं, लाकर बैटरी पे चलाकर वो बाइक नहीं लगाए, वो बाइक भी है, रिक्शे भी है, कार भी है। मैंने रिक्शा भी देखा, मैंने खुद बैठा हूँ रिक्शे के ऊपर। भाई मैं सर उसका यूट्यूब का जवाब देता हूँ, वो भाई तुक्का लगा के जो है उन्होंने बनाई हुई है, प्रोफेशनल है ना भाई, वो कार जो बड़े ब्रांड है ना। मैं कार भी आपको अभी दिखा, मेरे साथ चलो, मैं तुझे अगले गांव दिखा सकता हूँ, उनके पास कार है जो गाड़ी के ऊपर। हाँ मैं तुझे दिखा सकता हूँ, वो कोरे गड्डी गाड़ी है, कोरे। नहीं, जोल्टा वालों की बाइक भी है जो चार्जेबल है, उस पर बैटरी लगाई गई है, उसमें इंजन नहीं है, उस पर ये बैटरी पर सिस्टम लगा हुआ है, वो मैंने भी देख लिया, उस पर राइड भी देखा उसका। लेकिन भाई जो मौजूदा दौर जो आ रहा है, पेट्रोल इतना और महंगा है, पाकिस्तान भी कुछ सीखेगा तो सही ना, और पाकिस्तान को देखेगा, सीखेगा, पाकिस्तान भी कुछ तरक्की करेगा इंशाल्लाह, और मैं भी तो की जा सकती है। मैं ये भी कहता हूँ कि ये एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है, जब धुआं नहीं जाएगा माहौल में, माहौल बेहतर हो जाएगा। अब ये फिर ऐसा होगा, अगर कार्स में आ रही है, मोटरसाइकिल में बैटरी जा रही है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी यूज की जाती है ना संतों में, तो हो सकता है इस तरह फिर बड़ी ज्यादा बैटरियां जोड़ कर या इस तरह को बड़ी बैटरी बना ली जाए जो संतों को भी बिजली दे। और ये बात बड़ा बैटरी के मसले में टॉपिक है हमारा, तो मैं एक हमारा एक ट्रैक्टर है, उसमें बैटरी का बड़ा मसला आता था, और मैंने 6 माह में 2 बैटरी बदल दी है, इतनी बेकार बैटरी आ रही है भाई। अच्छा। पाकिस्तान नहीं, वो जो चार्जेबल बैटरी है वो उसमें बेकार तो वो हो सकती है, लेकिन जो ये लिथियम आयन की है ना, मैंने जो देखी है यार, वो कमाल की बैटरीज है, मैं तो हैरान। पाकिस्तान में मौजूद है, पाकिस्तान में 15 kW में तो 15 आप किलो वाट आर तक उसका मतलब ना ले सकते, उसकी पावर है, आप 2 AC चला सकते हैं, पूरा घर उस पर चला सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो के बाद, आप मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने वो सर्च की थी, मुझे वो भी पाकिस्तान में मौजूद है, 3 लाख की बैटरी यार, उसकी लाइफ टाइम भी बहुत ज्यादा है, चार्जिंग की उसकी जरूरत ही नहीं है। सर वो चार्जिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती, मुझे उसके बारे में ज्यादा नहीं, ये तो मालूमात करेंगे तो पता चलेगा। चार्ज नहीं रहा कि चार्जेबल है कि नॉन रिचार्जेबल है, तो मेरे ख्याल में तो वो नॉन चार्जेबल होगी तो वो इतना मैं तो नहीं। यार अगर एक बैटरी आप 2.5 लाख में लेते हैं तो वो आपके 10 साल के निकल जाते हैं, तो फिर वो भाई वो उसका जरिया क्या होगा, वो कैसे निकालेगी, मैं ये हैरान ना, वो चार्जिंग निकालेगी ना 10 साल कैसे। यार टेक्नोलॉजी है, अब ये देखने मैं मिसाल देता हूँ, जो पहले वाले सेल फोन और सुन तो ले, जवाब तो मैं आपको मिसाल देता हूँ, जो पहले वाले सेल फोन थे कितनी बैटरीज थी, अब 7-7 हज़ार MAH में आ रही है, बिल्कुल, और ऐसी ऐसी बेहतरीन बैटरीज हैं जो छोटे से छोटे मतलब छोटी बैटरी भी होती है, वो दूसरी बड़ी पहले वाले की बड़ी बैटरी से मुकाबला कर रही है। भाई मैं एक बात करता हूँ, और बड़ी टेक्नोलॉजी है, अच्छा गुलजार की भी सुन लो, क्या 10 साल मुसलसल वो कैसे चल सकती है, मैं ये बात करता हूँ। तेरा मानना ये कि उसकी या तो चार्ज होती होगी या तो डीजल या कोई डालते होगी, कुछ ना कुछ तो होगा ना, जैसे किसके ऊपर वो चलेगी, वो एनर्जी देता है ना अंदर बैटरी के, वो चार्ज बिल्कुल या धूप कोई ना कोई तो चलेगी या 10 साल मुसलसल कैसे। आप ट्रैक्टर की बैटरी नहीं लेकर आते हैं, क्या उसमें चलता है, करंट कहाँ से आता है भाई, वो तो चार्जिंग होती है ना, होती है ना, जब चार्जिंग नहीं होती तब वो कैसे चला लेती है, चार्जिंग नहीं होती फिर कैसे चलेगी। भाई मैं ये बात करता हूँ, 10 साल मुसलसल जब चार्ज नहीं हो रही, चार्ज नहीं हो रही तो वो चलेगी नहीं, वो फर्क आप जब नहीं लेकर आए हैं तब आप वो चल रही ना, चल रही है ना, लेकिन वो चलती है तो फिर आप इस्तेमाल भाई पहले वो नहीं चलती उसको भाई, उस वही मैं मिसाल तो दे रहा हूँ, पहले वाले सेल फोन में बैटरी कम थी, अब बेहतरीन से बेहतरीन बैटरीज आ रही हैं।
सवाल मेरा समझ नहीं रहा। मैं समझ रहा हूँ कि चार्ज नहीं होगी, नहीं मेरे 10 साल किस तरह चल, 10 साल वो कैसे चल सकती? और यार यही चीज इस्तेमाल होती है जो इतने कह रहे हैं कि इतना लंबे वो नहीं चलेगी। मैं वही मिसाल दिया जा रहा हूँ कि जब आप चार्ज नहीं करते बैटरी, वो 15 दिन 20 दिन महीना दो महीना चलती है ना, किस तरह चल लेती है? एनर्जी स्टोर होती है ना, उसमें भी एनर्जी स्टोर होती है अच्छे तरीके से, इसकी वजह से वो चलेगी। समझ आई? यही वजह है कि अगर आप उसको एफिशिएंट करेंगे तो चाहे आप 20 साल चला ले, हो सकता है नेक्स्ट जो लेवल आ रहे हैं हो सकता है 20 साल हो भाई, मॉडिफिकेशन हो रही है बैटरीज में, होने को तो कुछ भी हो सकता है बंदा करना चाहे तो। तो मेरे ख्याल में आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी और वीडियो समझ जाए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं और मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।